दोस्तों, फन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में एंड बनाती हूँ वीडियोस अराउंड बहुत सारे टॉपिक। और आज हमारे साथ है राहुल सिंगल विद अस, जिन्होंने जर्मनी से एमबीए करी है और पिछले 3 सालों से यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हेलो राहुल, वेलकम टू फॉरेन की दुनिया। थैंक यू कोमल, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद यू, शेयर माय एक्सपीरियंसेस। ओके ग्रेट। तो सबसे पहले तो आपको भी दिमाग में होगा कि राहुल ने क्या पढ़ाई करी है, कहाँ से है, इंडिया में कौन सी एजुकेशन कंप्लीट करी है। तो राहुल अपने बारे में थोड़ा बताओ, आप कहाँ से हो, कहाँ से एजुकेशन कंप्लीट करी है। मैं इंदौर से हूँ और 2010 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की इंदौर से ही। okay. और मेरी फर्स्ट जॉब कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू इंफोसिस में लगी। okay. इंफोसिस में 3-3.5 साल काम करने के बाद मैं पुणे शिफ्ट हुआ। हाँ. वहाँ पर सीमेंस में काम किया अनदर 3 ईयर्स। okay. और तब से मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एमबीए करना चाहिए और इस तरह से अपने करियर को मैं आगे ले जाना चाहूँ। अच्छा, आपने जो इंजीनियरिंग करी है वो कंप्यूटर साइंस में की है। और जो जॉब रोल थे सिमेंस और इंफोसिस में, वो कौन सा आईटी बैकग्राउंड था या कौन सा बैकग्राउंड था? मेरा आईटी बैकग्राउंड में ही था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था। फर्स्ट okay. में सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेवल 1 था, फिर उसके बाद लेवल 2 में मैंने सीमेंस ज्वाइन की थी। ओके okay. राहुल, मेरा तो एक सवाल ये है कि लोग एमबीए करने के लिए यूएस कंसीडर करते हैं, यूके करते हैं, जर्मनी भी करते हैं, बट व्हाट वाज योर रीजन, जर्मनी क्यों एमबीए करने के लिए? देखिए कोमल, आपने काफी अच्छा पॉइंट रखा है कि यूएस यूके काफी मार्केट है इनका, पर मेरे साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स थी। मेरा ये पहला कंस्ट्रेंट ऐसा था कि मुझे सेल्फ स्पॉन्सर करना था, मैं कोई फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। दूसरा, फिर मैंने जब रिसर्च चालू की एमबीए स्कूल्स के लिए तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे फीस काफ़ी कम है, इनफैक्ट 1/3 है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कंपैरेटिवली कम है बाकी कंट्रीज से। मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये मेरे लिए एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। फिर मैंने जो एडमिशन प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया डिलीजेंटली, मैंने जीमैट के लिए अपीयर हुआ एंड विद गॉड्स ग्रेस काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, मुझे काफ़ी अच्छे स्कोर रहा एंड उससे मुझे जर्मनी में जो स्कूल्स यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था वहाँ से काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिली, more than 50%। तो इससे मेरा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फर्दर कम हो गया, विच वॉज अ ह्यूज एडवांटेज टू मी। फिर इसके बाद बाकी जो चीज़ें जो मुझे अपने करियर से समझ आई वो था जैसे जर्मन क्लाइंट साथ वर्क करना, दे आर वेरी गुड, दे हैव वेरी रिस्पेक्ट फॉर वर्क लाइफ बैलेंस एंड दे आर आल्सो यू नो वेरी हेल्पफुल टू यू इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। जर्मनी में छुट्टियां भी ज्यादा मिलती है कंपेयर टू यूएस यूके, और ऑफ कोर्स आपको एडेड एडवांटेज तो मिलता ही है यूरोप एक्सप्लोर करने का। okay. तो ये सब पॉइंट्स सोच के फिर मैंने जर्मनी के लिए अप्लाई करना चालू किया। ओके ओके ग्रेट। पर एक सवाल मेरा ये है कि अगर किसी को जर्मनी में एमबीए करना है तो जनरली क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? देखिए कोमल जी, रिक्वायरमेंट्स एमबीए करने की ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही होती है। जर्मनी में भी वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है। जैसे फर्स्ट जो क्राइटेरिया होता है वो एडमिशन टेस्ट का होता है। जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो यूजुअली जीआरई जीमैट मांगती है। right. और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वो लोग टॉफल या आइल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है जिसमें LOR आता है, SOP आता है, वो आप फर्निश करेंगे, आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे, एडमिशन की फ़ीस देंगे और फिर उसके बाद जब वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद फिर आपको वो कॉल लेटर दे देते हैं। आपने सही पॉइंट रेज किया, 2-3 साल का एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी जो एमबीए कराना चाहते हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस में आई वुड रिकमेंड 5 ईयर्स इज अ गुड थिंग। 2 रीजंस, फर्स्ट आपका क्लास में कॉन्ट्रीब्यूशन बेटर हो जाता है, सेकेंड वुड बी कि आप जब जॉब सर्च करते हैं तो वो आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस वहाँ आपके जॉब सर्च में काउंट करता है जो सैलरी में भी हेल्प देता है। ओके ओके। और एक चीज है कि अगर एमबीए के लिए अप्लाई करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पता लग जाएगी, कहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए एंड ऑल दोस डिटेल्स? यहाँ पर जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी वहाँ की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही हमें पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। जर्मनी में जहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो मोस्टली अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे ही अवेलेबल कराती है एडमिशन रिलेटेड, पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो शायद आप डार्ट पे या यूनी असिस्ट वेबसाइट्स पर आप पता कर सकते हैं। ओके okay. और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या जर्मनी में एमबीए फ्री है? द आंसर इज नहीं, जर्मनी में एमबीए फ्री नहीं है। आप बैचलर्स करने आते हो, मास्टर्स करते हो या फॉर दैट मैटर MIM कोर्स करते हो, तो उसके लिए फिर भी आपको ट्यूशन फी नहीं भरनी पड़ती है। देन यू कैन से कि ठीक है, जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। बट आप स्पेसिफिकली अगर एमबीए करने आते हो तो डेफिनेटली इट्स नॉट फ्री। बट वी हैव राहुल विद अस, जो हमें और डिटेल में इसके बारे में बता देगा, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी डन हिज रिसर्च एंड ही नोज इट वेरी वेल। तो राहुल, अगर आपको बताना होगा एक लाइक यू नो रफ एस्टिमेट कि जर्मनी में अगर एमबीए करना है तो क्या रेंज होती है, जनरली कितनी फीस होती है?
देखिए जर्मनी में MBA ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज से कम है उनकी, बट वो यूजुअली रेंज 15,000 से 50,000 यूरोस तक जाती है. एंड दैट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उनकी रैंक क्या है. और यूजुअली जो नॉर्मल ट्रैक होता है जिसमें आप जनरल मैनेजमेंट करते हो, 2 सेमेस्टर्स का होता है, उसकी फ़ीस कम होती है. बट अगर आप स्पेशलाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा सेमेस्टर ऑप्ट करते हैं तो उसकी आपके लिए एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी होती है. अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है तो उससे भी आपकी फ़ीस में काफ़ी रिडक्शन हो जाता है. 50% 70% तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल हो जाती है और जिससे आपकी ओवरऑल फंडिंग भी काफ़ी कम हो जाती है. ओके. और हमने सुना है कि यहाँ पे लोग पार्ट टाइम करके भी अपना एक्सपेंस कवर करते हैं, तो क्या ये MBA के लिए भी है एप्लीकेबल? जी बिल्कुल सही कहा आपने. MBA में भी ऑप्शन होता है, आप 20 से 40 आवर्स वर्क करके आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं. और पर MBA कोर्सेज में यूजुअली काफ़ी कोर्स इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ता है, ऑलमोस्ट सारे दिन आपको कॉलेज जाके करना पड़ता है, तो शायद ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. ओके. बट काम कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि आप कैसे फिर टाइम मैनेज करते हो और फिर एक्स्ट्रा काम कर सकते हो. जी जी जी, ये टोटली आपकी यूनिवर्सिटी और आपके कोर्स कंटेंट पे डिपेंड करता है आपके एक्स्ट्रा टाइम की अवेलेबिलिटी. एंड राहुल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि यहाँ पे MBA करने के लिए आते हैं, बट हाउ अबाउट इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स? क्या आसानी से मिल जाती है या क्या एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? कोमल जी, मैं इस बारे में कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा. पहली चीज़ तो थी कि मेरा कोर्स इंग्लिश में था, बट इंग्लिश के होने के बावजूद भी जर्मन का इम्पोर्टेंस कम नहीं होता है. जर्मन सीखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मैनेजमेंट और बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज के लिए, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट के बाहर आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है और उसके लिए जर्मन बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है. तो मैं इंडिया से कुछ लेवल्स A1 और A2 का लेवल इंडिया से करके आया था, बिकॉज मुझे पता था मेरी जॉब सर्च में ये बहुत मदद करेगा. वो मुझे हेल्प हुआ, उसके माध्यम से मैंने इंटर्नशिप सर्च की. और ऐसा सभी कोर्सेज में होता है, आप अप्लाई बहुत जगह करते हो, एक्सेप्टेंस बहुत कम जगह से आता है. यहाँ भी ये बात सच है, एक्सेप्टेंस आने के बाद इंटरव्यू में परफॉर्म करना ज़रूरी है, और अगर आपने जर्मन लिखी है CV में तो इंटरव्यू जर्मन में होगा, ये मान के चलें आप. और ये बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप जर्मन उस लेवल की करेंगे आप इंटरव्यू में बात कर पाएँ. अच्छा. वरना आपके चांसेस बहुत कम हो जाती हैं. और कोमल जी, आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरे बैच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ MBA करने के बाद भी 1-2 साल तक रहे जॉब सीकर वीज़ा पर. अच्छा. उनको जॉब हासिल नहीं कर पाए वो, जस्ट बिकॉज वो अपनी जर्मन पे उतना उस लेवल तक काम नहीं कर पाए जिसकी यहाँ पे जॉब में रिक्वायरमेंट है. अच्छा, बट ये बहुत अच्छी बात है, आपने बताया कि इंग्लिश में कोर्स होने के बावजूद भी मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब चाहिए, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि जर्मन आनी चाहिए. मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग कि आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हो, जॉब सीकर पे भी रुकते हो, ट्राई करते हो, बट नहीं मिलती है जॉब बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस, तो जाना पड़ता है. तो अपस्किलिंग इज रियली इम्पोर्टेंट. अपस्किलिंग इज रियली इम्पोर्टेंट, जर्मन इज रियली इम्पोर्टेंट. आप जर्मन सीखिए, B1 B2 लेवल तक सीखिए, जिससे कि आप इंटरव्यू एक बार क्रैक कर पाएं. उसके बाद आप जब आप जॉब करते हैं तब आपके लिए रिलैक्स हो जाता है थोड़ा सा. राइट राइट. एंड टॉकिंग अबाउट जॉब प्रोस्पेक्ट्स, तो MBA करने के बाद जर्मनी में क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स है? देखिए, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं. डेफिनेटली आप MBA करने के बाद बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हैं, जैसे कंसल्टिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया. आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, एनालिटिक्स में जा सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं. बट मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगा कि कुछ जॉब्स इसमें ऐसे हैं जो हाईली जर्मन इंटेंसिव है, बिकॉज उसमें आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वो मोस्टली जर्मन स्पीकिंग होते हैं. जैसे कि मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, कंसल्टिंग हो गया. यहाँ पर अगर आप जर्मन नहीं आएगी तो आपके लिए चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं बिना जर्मन के, अनलेस वो ऐसी कंपनी हो जो इंटरनेशनली एक्सपांड करना चाह रही हो. और कुछ ऐसे जॉब्स जहाँ पर जर्मन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है वो होती हैं जैसे एनालिटिक्स हो गई, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस एनालिसिस हो गया, जिसमें IT का ही कंटिन्यूड आपका करियर ग्रो कर सकता है. तो ये कुछ जॉब्स हो गए, बाकी मोस्टली आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप कितने साल का आप एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, उस बेसिस पे आपको सीनियोरिटी मिलती है आपके काम में. राइट राइट. एंड टॉकिंग अबाउट सैलरी, तो ये है कि MBA करने आते हैं जर्मनी में तो उसके हिसाब से लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी या फिर यू नो ऐसी सैलरी होगी कि मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं आराम से. तो ये बताओ कि सैलरी का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ये बहुत डिपेंड करता है? सैलरी का डिपेंड करता है ऑफ़ कोर्स
कि आप कौन सी जॉब कौन सी फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं। कुछ हाई पेइंग जॉब्स होती हैं जैसे इन्वेस्टमेंट्स कंसल्टिंग, यहाँ पे आपकी सैलरीज काफ़ी हाई 70-80,000 प्लस जा सकती है इमीडिएटली। ऑफकोर्स जर्मनी मोस्टली टेक में ज़्यादा सैलरीज देता है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में जो लोग आते हैं, इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी थोड़ी कम हो। इट कैन बी एज लो एज 50,000-55,000। बट आप जैसे जैसे आप करियर प्रोग्रेस करते हैं, जैसे मुझे यहाँ 3 साल हो गए, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी शार्प इंक्रीज इन योर सैलरी वंस यू क्रॉस दैट लेवल ऑफ फ्लुएंट जर्मन। आप जितना अच्छा जर्मन लैंग्वेज बोलना सीखेंगे, एक्सपीरियंस उतना अच्छा गैदर करेंगे, आपकी सैलरीज उतनी एक्सपोनेंशियली हायर जाने लग जाती है। अच्छा। और एक चीज शायद से मैंने कवर नहीं करी अबाउट एज, तो यहाँ पे ऐसे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है राइट? जी नहीं, किसी भी एज में आके पढ़ाई कर सकते हैं। जी नहीं, जी नहीं, वो आपकी एज की तरफ इतना रुझान नहीं रखते हैं, वो मोस्टली चाहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस प्रॉपर हो, आपकी डिग्री कंप्लीट हो, डिग्री में अच्छी ग्रेड्स आए, और फिर आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस कैसा है, आपने थीसिस क्या लिखी है, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट आई डोंट थिंक एज इज अ फैक्टर। ओके, इतनी सारी बातें आपने शेयर करी, सो दैट्स गुड, आपको भी सारी इन्फॉर्मेशन पता लगी। बट एक और एक सवाल मेरा है कि यहाँ पे MBA कर लिया, यहाँ पे अभी इतने टाइम से आप जॉब भी कर रहे हो, तो वॉट इज योर एक्सपीरियंस या क्या लर्निंग्स रही यहाँ पे? लर्निंग्स और एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स रहे मेरे। अच्छा। पॉजिटिव्स में बताना चाहूँगा कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था जर्मन कंपनीज के बारे में कि दे आर वेरी गुड विथ वर्क कल्चर, दे गिव यू इनफ टाइम टू रिलैक्स एंड दे आर वेरी कंटेंटेड विथ व्हाट द वर्क यू डू फॉर देम, जो आप जो उनके लिए काम करते हो उनके लिए वो काफ़ी रहता है। इज इज राइट, US जैसा नहीं है जैसे बोलते हैं लोग वहाँ पे कि हमें बड़ा घिसा जा रहा है, हम बहुत काम करते हैं, वैसा वर्क कल्चर बिल्कुल नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, आपकी जितनी सैलरी होती है आपकी आपसे उतनी ही एक्सपेक्टेशन होती है, ज़्यादा नहीं। ये तो मोस्टली मेरा पॉजिटिव रहा यहाँ को लेके, लोग काफ़ी ओपन हैं, जर्मन्स लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी लोग रेसिज्म को लेके बोलते हैं, बट मैंने कभी वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म फेस नहीं किया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे पॉजिटिव साइड, कुछ नेगेटिव साइड भी हैं चीज़ें। जैसे मैं बताऊंगा कि हम मोस्टली इंडिया में जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, हम IT में जैसे 5 साल 8 साल 10 साल हम सोचते हैं फिर MBA करेंगे, प्रोडक्ट मैनेजर बनेंगे, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे। अच्छा। तो उन टाइप की पोजीशंस के लिए यहाँ पर जर्मन की रिक्वायरमेंट काफ़ी हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर दिन पर दिन अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से इंटरेक्ट करता है, और मोस्ट ऑफ देम आर नॉट जर्मन स्पीकिंग जैसे मैंने पहले बताया। तो आपको चाहिए कि आप जर्मन अच्छी सीखें, तो हो सकता है इस रोल्स में आपको वो मिले। और अगर आप रियली ये रोल्स करना चाहते हैं, और अगर आपके पास मनी का कंस्ट्रेंट नहीं है, फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड से आते हैं, तो मैं बोलूंगा कि फिर आप US तरफ जा सकते हैं। US में आपको सैलरीज ज़्यादा मिलेंगी ऑफ कोर्स, और वहाँ पे आप डायरेक्ट आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद सीधे इन्हीं रोल्स में जा सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियरिंग मैनेजर, टीम लीड एक्सेट्रा, और आई थिंक वहाँ पे बढ़िया आपके लिए ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। जर्मनी में इन समरी मैं बोलूँगा कि अगर आपको अच्छा ग्रो करना है तो जर्मन रिक्वायर्ड है आपके लिए, स्मॉल लेवल पे नहीं, B2C1 लेवल पे रिक्वायर्ड है। कंपनीज भी चाहती हैं कि आप सीखें, और अगर आप वो सीख लेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी यहाँ पर। लेकिन थोड़ी ऐसी जॉब्स हैं, कुछ नीच स्किल्स हैं जहाँ पर बिना जर्मन के भी यहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं जॉब्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एनालिटिक्स की स्किल्स हैं, उसमें अगर आप MBA से अपनी वैल्यू एडिशन करते हैं, तो उसमें जर्मन के रिक्वायरमेंट के बिना भी आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है। और इसके और एग्जांपल्स दूं मैं आपको, तो साइबर सिक्योरिटी जैसे हो गया, उसमें भी बिजनेस स्किल्स हेल्पफुल रहती हैं। और आपका AI ब्लॉकचेन वगैरह होगा, ये सब तो टेक्निकल स्किल्स की कैटेगरी में आती है, लेकिन बिजनेस से इनकी काफ़ी वैल्यू बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच राहुल फॉर शेयरिंग द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। इतनी ठंड हो रही है फिर भी ही टुक आउट टाइम एंड टोपी वोपी पहन के भी ही इज ट्राइंग टू शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन, सो इट्स रियली नाइस ऑफ यू। थैंक यू, आपका बोलना चाहूँगा कोमल, आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे बोलने की, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी MBA एस्पिरेंट्स हैं जो जर्मनी में आके MBA करना चाह रहे हैं, उनको मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और उनको एक रियलिटी चेक मिले कि MBA भी जर्मनी में कितना अच्छा हो सकता है, यहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग मी। ग्रेट, एंड थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पता लगे। एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एंड नाउ लेट्स मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन आउ फीड अस इन।